गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम योंजो को देखते हैं जो कि कुछ मेडिसिन लेकर अपने डैड के घर पहुंचती है। योंजो अपने डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने तो कहा था कि आप वेबटून W की हैप्पी एंडिंग करने वाले हैं, बट इसके बजाय तो आपने वहाँ पे सभी लोगों को मार डाला और कांगचुल को भी एक गलत केस में फंसा दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया डैड? बट जैसे ही वो अपने डैड के फेस को देखती है तो काफी ज्यादा डर कर वहाँ से बाहर आ जाती है। एंड देन पाक्सो बूम को कॉल करती है जो कि उसे बताता है कि कल रात को मैंने तुम्हारे डैड को देखा जो कि उस खूनी के सभी ऑर्डर्स को बड़े आराम से फॉलो कर रहे थे। पहले उस खूनी ने तुम्हारे डैड से कांगचुल के अंकल को मारने को कहा और उसके बाद कांगचुल के हाथ में एक गन बनाने को। जब योंजो चोरी चोरी चुपके चुपके अपने डैड के रूम में जाकर उनके ड्राइंग लैपटॉप को चुराने की कोशिश करती है तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेबटून वर्ल्ड में पुलिस ऑफिसर्स कांगचुल के घर की तलाशी ले रहे थे जहां उन्हें कांगचुल की गन मिलती है। एंड थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एट लास्ट उन्हें पता चल जाता है कि अभी कांगचुल एक छोटे से होटल में रुका हुआ है। बट इससे पहले कि वो लोग कांगचुल के रूम तक पहुंच पाते योंजो अपने डैड के लैपटॉप की हेल्प से कांगचुल के रूम के गेट को इरेज कर देती है, मतलब कि मिटा देती है, जिसके कारण पुलिस को कांगचुल के रूम का गेट दिखता ही नहीं। आफ्टर दैट योंजो कांगचुल के कार का कलर एज वेल एज उसके कार की नंबर प्लेट को भी चेंज कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पे कांगचुल के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंजो ने अपने डैड को एक रूम के अंदर लॉक कर दिया था। अपने सारे काम खत्म करने के बाद एट लास्ट योंजो कांगचुल के लिए मेडिसिन ड्रॉ करना स्टार्ट करती है। वहीं कांगचुल अपनी फैमिली को याद करके काफी ज्यादा सैड हो रहा था तभी उसके सामने कुछ मेडिसिन एंड एक लेटर आ जाता है जिसमें योंजो ने उस पूरी प्रोसेस के बारे में लिखा था कि आखिर कांगचुल अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है क्योंकि वो अभी रियल वर्ल्ड से वेबटून वर्ल्ड में नहीं आ सकती। योंजो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी वो खूनी उसे मारने की कोशिश करता है एंड उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। बट इससे पहले कि वो योंजो को कुछ कर पाता योंजो लैपटॉप के स्विच को ऑफ कर देती है एंड देन बाहर जाकर अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा सैड होती है। योंजो जब पाक्सो बूम से बातें कर रही होती है तभी वो फिर से वेबटून वर्ल्ड में पहुँच जाती है। बट इस बार वो कांगचुल के पास नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर हान के पास पहुंचती है जहां प्रोसिक्यूटर हान फोन पे किसी से कांगचुल को शूट करने की बात कर रहे थे। बट इससे पहले कि हमारी योंजो वहां से भाग पाती तभी प्रोसिक्यूटर हान भी उसे देख लेते हैं एंड देन अपने आदमियों को बोलकर उसका पीछा करने के लिए बोलते हैं। बाहर आने के बाद योंजो अपने आप से कहती है कि आखिर मैं यहां पे फिर से कैसे आ गई, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि प्रोसिक्यूटर हान मुझे याद कर रहा था। इसका मतलब कि कांगचुल के अलावा इस वेबटून के विलन्स भी मुझे रियल वर्ल्ड से वेबटून वर्ल्ड में बुला सकते हैं। योंजो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी फिर से वेबटून वर्ल्ड का टाइम काफी तेजी से भागने लगता है जिसे देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक ये क्या हो रहा है। ये सब देखने के बाद योंजो भागते हुए एक स्टोर में जाती है जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि कांगचुल को गोली लगे हुए एक महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। बट पुलिस के काफी ज्यादा फाइंड करने के बाद भी कांगचुल उन्हें अभी तक नहीं मिला। ये सब जानने के बाद योंजो कांगचुल को काफी फाइंड करने की कोशिश करती है बट कांगचुल उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो एट लास्ट वो उसके बॉडीगार्ड से मिलने जाती है एंड देन उससे कांगचुल के बारे में पूछती है। बट कांगचुल का बॉडीगार्ड पहले तो योंजो को कुछ भी बताने से मना करता है बट वो योंजो को कांगचुल के लिए इतना ज्यादा परेशान एंड रोता हुआ देखकर उसे एक गांव का एड्रेस देते हुए वहां जाने के लिए कहता है एंड देन योंजो को बताता है कि कांगचुल भी आपको फाइंड कर रहे हैं।
योनजो जब जारी होती है तो काउंसिल का बॉडीगार्ड उससे कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर आपका एंड काउंसिल का क्या रिलेशन है, बट प्लीज आप उससे इस बात के लिए मनाने की कोशिश करिएगा कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। द नेक्स्ट सीन में हम योनजो को उसी गांव में देखते हैं जहां योनजो काउंसिल का काफी देर तक वेट करती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे काउंसिल आकर उससे कहता है कि ओ योनजो, काफी दिनों से मैंने आपको देखा नहीं। आफ्टर दैट वो योनजो को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। योनजो कहती है कि मुझे लगा कि तुम अभी तक मर चुके होगे, जिसे सुनकर हमारा काउंसिल वॉज लाइक मैं, अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ काफी अच्छे से समझाया था। जिसके बाद हमें उसी दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां काउंसिल योनजो के उस लेटर को पढ़कर अपने आप को पूरी तरह से ठीक करता है। एंड जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है वैसे ही उस रूम का गेट फिर से गायब हो जाता है, जिसे देखकर हमारा काउंसिल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड देन बाहर आने के बाद वो अपनी न्यू कार को भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम काउंसिल को उसके गांव में देखते हैं जहां वो अपने हैंड को नोटिस करता है जो कि धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा था। बट ये सब देखकर काउंसिल को ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। वो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तभी फिर से काउंसिल का हैंड डिसअपीयर होने लगता है, जिसे देखकर काउंसिल अपने हाथ को योनजो से छिपाने की कोशिश करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में एक छोटे से मार्केट में देखते हैं जहां वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। काउंसिल योनजो से कहता है कि आज हमने दो काम किया, पहला शॉपिंग एंड दूसरा आइसक्रीम, तो चलो अब हम दोनों साथ में ग्रोसरी की शॉपिंग करने चलें। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। बट हमारी योनजो तो अभी भी ये सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर अचानक से इसे क्या हो गया। काउंसिल जब घर में खाना बना रहा होता है तो योनजो उससे कहती है कि बट तुम्हें तो रामेन के अलावा और कुछ भी बनाना नहीं आता ना, जिसे सुनकर हमारा काउंसिल वॉज लाइक ऐसा किसने कहा। एंड देन कहता है कि हाँ पहले नहीं आता था, बट अब मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीख लिया है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था, जिसे सुनकर हमारी योनजो वॉज लाइक व्हाट, मेरे लिए। योनजो जब जारी होती है तभी वो काउंसिल की बातों को सुनती है जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि क्या आज हम दोनों ने साथ में मिलकर फिर से चार और रोमांटिक चीजों को कर लिया, जिसे सुनकर योनजो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो ये सब काउंसिल के साथ करना चाहती थी। बट सब कुछ एक सपना यानी कि ड्रीम बनाने के बाद काउंसिल ये सब कुछ भूल चुका था। योनजो कम्प्लीटली शॉक्ड होकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि इसके बारे में मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया। तो जिस पर काउंसिल योनजो को वेबटून डब्ल्यू कॉमिक बुक दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये सब इस बुक से रीड किया है, जिसे देखकर योनजो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि पिछली बार योनजो के साथ साथ इस वेबटून वर्ल्ड में एक डब्लू की कॉमिक बुक भी आ चुकी है। काउंसिल कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड काफी ज्यादा बदतमीज है, आखिर वो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब काउंसिल अपने बॉडीगार्ड से योनजो के बारे में पूछ रहा था तब उसके बॉडीगार्ड ने ही उसे ये बुक ला कर दी थी, क्योंकि उसे योनजो के बारे में इस बुक के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। काउंसिल कहता है कि मैंने एक महीने के अंदर इस बुक को इतनी बार पढ़ा है कि अब तो मुझे इस बुक की एक एक लाइन याद हो चुकी है। पहले तो मुझे इस बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया, बट एट लास्ट इसे धीरे धीरे पढ़ते हुए मुझे मेरी काफी सारी मेमोरीज याद आने लगी। काउंसिल योनजो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस बुक का दूसरा पार्ट भी है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर काउंसिल एंड योनजो का क्या हुआ। बट योनजो उसे कोई भी आंसर नहीं देती, तो एट लास्ट काउंसिल योनजो से पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारा वो हस्बैंड जो तुम्हें अकेला छोड़कर तुम्हारी लाइफ से डिसअपीयर हो गया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और इसी के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।